उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना, अगर अपने आप पर आ जाए तो चुटकी में काम हो जाता है, वरना कई ऐसे कारनामे कर देते हैं जिसके बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। ऐसा ही एक मामला अमरोहा में हुआ था। दरअसल यूपी पुलिस के एक सीओ जबरन एक होटल में रहने लगे तो होटल मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। खुन्नस में उस पुलिस अफसर ने रेड मारकर होटल में ठहरे लोगों को सेक्स रैकेट का कस्टमर बताकर उन पर और होटल मालिक पर केस दर्ज कर लिया। 5 साल बाद इस केस की जांच के बाद यह मामला फर्जी निकला और हाई कोर्ट ने 10 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। 2015 के गजरौला पुलिस ने एक रिजॉर्ट में छापेमारी करके लगभग 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था, जबकि होटल मालिक ने पुलिस के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने और फर्जी मुकदमे में जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में CBCID जांच कराई। जांच के बाद घटना के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। CBCID ने फिलहाल 10 पुलिसकर्मियों और तत्कालीन CO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में होटल मालिक ने पुलिस की दबंगई और पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया है। 2015 में इन्होंने हमारे होटल पर रेड डाली थी और इन्होंने हमारा जो सारा स्टाफ था, जो बाकी लोग रेस्टोरेंट में थे, जो भी रूम्स में थे, सबको उठा कर अपना थाने ले गए। वहाँ इन्होंने 10-15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी। मेरे यहाँ मामा जी हैं जो आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो वो आए हुए थे तो उनको भी ले गए थे। ये रिलेटिव है, जो मैनेजर थे हमारे उनको भी, जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी, सारे लोगों को कोतवाली ले गए। वहाँ पर इन्होंने फिर FIR वगैरह उनके खिलाफ दर्ज कर दी। उसके बाद फिर जब मेरा भी नाम उसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया कि आप भी यहाँ शामिल हैं, तो हमने फिर जमानत 2-3 लोगों की तो हमारी यहाँ से हो गई थी गजरौला से, तो अपनी के लिए मैंने कि बाहर से बाहर हमारी जमानत हो जाए, तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जो बेंच थी उन्होंने सारा मामला CBI को सौंप दिया हमारी जमानत के लिए। ना वो हमने यस नो नहीं किया कुछ भी, बट उन्होंने CBCID को दे दिया। CBCID ने जो अपनी तफ्तीश करी, 3-4 साल से चल रहा मामला ही, और उसके बाद जब उन्होंने हमें निर्दोष पाया तो इन सारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, और अब हमारा जो केस है वो खत्म हो गया है। इनके ऊपर अब कार्रवाई शुरू होगी। जो नव दंपति थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कहाँ कराई थी? जो इन्होंने नव दंपति थे उन्होंने ही अमरोहा में कराई थी जी। अच्छा। और जमानत भी जो थी उन्होंने अमरोहा से ही कराई थी अपनी, अपने जो पेपर वगैरह जो दिए थे शादी के, वो दो जोड़ों ने शादी कर रखी थी, वो सारे पेपर CBCID को सौंपे गए। उन्होंने अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिए, सारी लोकेशन वगैरह जो भी इसकी थी। उस प्रकरण में कितने लोग जेल गए थे? 10-12 लोग थे। अच्छा, लगभग कितने लोगों की जमानत हो चुकी है? सभी की हो गई थी उस टाइम पे। हाँ जी। अब क्या चला इस मामले में? अब CBCID ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। अब इनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ, अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, जो CEO तत्कालीन सारे अधिकारी थे। आखिर इस मामले की वजह क्या थी? वजह हमारे यहाँ CEO साहब रुके हुए थे मोहनलाल जी, पिछले 15 दिन से। पहले स्वागत में थे सर, उसके बाद हमारे आगे थे। हमारे शादियाँ थी, 2 लोन है मेरे पास, लोन फर्स्ट में भी सेकंड में भी 2 शादियाँ थी। तो हमने कहा दिया साहब आज के लिए हमारे रूम की शॉर्टेज है, आप 1 दिन के लिए आप रूम खाली कर दीजिए। बस गुस्से में रूम खाली कर गए थे। उसके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद नाराजगी चल रही थी, उसके 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने यहाँ चौकी से किसी का फोन आया कि 20-25 लोगों का खाना भिजवा दीजिए। हमने खाना वाना बनवा रहे थे, उसमें डिले हो गई। डिले होने पर वो अपना सब दल बल के साथ आ गए हैं, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया उन्होंने होटल। जो भी लोग यहाँ थे, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, कोई रिसेप्शन पे था, कोई शादी बुकिंग के लिए बंदा आया। हमारे मामा जी थे जो फ्लाइंग आर्मी से, उससे एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, वो अपना थे यहाँ पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए, पता लगा ये भी मामा उनके, ये भी उठा के ले गए। मैनेजर है, मैनेजर को भी ले गए, जो रिसेप्शन का, रिसेप्शन वाली को भी ले गए, जो रात का नाइट ड्यूटी वाला बंदा था रिसेप्शन का उसे भी ले गए, कुक था खाने बनाने वाला उसे भी ले गए, कुछ लोगों को वहीं छोड़ दिया था, बाकी सबके नाम FIR कर दी थी। ये मालिक हैं, यही संचालन कर रहे हैं। हमने अपनी फिर जमानत बाहर से बाहर कराने के लिए हाई कोर्ट में रिट डाली, उन्होंने जमानत का तो कुछ वो दिया नहीं उसमें, वो उन्होंने CBCID केस ट्रांसफर कर दिया कि निष्पक्ष जाँच हो। उसमें 4-5 साल जरूर लगे हमें न्याय मिलने में, आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि 20 लोगों को अपना, 15 लोग या 10-12 लोग जो भी हैं, ये इन सब के नाम खिलाफ FIR दर्ज हुई है
अब इनके खिलाफ सीबीसीआई जांच करके अपन ने जेल भेजी। अमरोहा से बीएस आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक।